उत्तर प्रदेश में भी नतीजों के बाद मंथन पर जोर चल रहा है। यूपी सरकार के सभी मंत्रियों की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री योगी ज्यादा गंभीरता से अब काम करने वाले हैं। पार्टी के स्तर पर तो काम चल रहा है, लेकिन सरकार के स्तर पर भी समीक्षा की जा रही है कि कहां कमी रही, कि रिस्पॉन्स उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को उम्मीद थी यूपी की जनता से कि वो एक बड़ा मैंडेट देंगी, लेकिन मन मुताबिक, उम्मीद के मुताबिक वो आंकड़ा नहीं मिल पाया बीजेपी को उत्तर प्रदेश से। हालांकि इतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं रही है बीजेपी की, लेकिन जो नारा दिया गया था 400 पार का, उसमें एक बड़ी आहुति उत्तर प्रदेश डाल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही बड़ा झटका था बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में, और उनके विरोधियों के हौसले बुलंद है, खासकर समाजवादी पार्टी जो अच्छी खासी सीटें लेकर अपने सांसदों को संसद तक पहुंचा चुकी है, जनता के बीच अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे। आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम खबरों की हम बात करने जा रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी के सभी सांसद और उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। जो उम्मीदवार लड़े थे वो भी मौजूद रहेंगे। पार्टी कार्यालय के बाहर बधाई के संदेश दिखाई दिए, पोस्टर बैनर लगाए गए। पोस्टर पर लिखा, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के आप देश, ये बात कही गई है। तो अखिलेश यादव भी अपनी खुशी का इजहार करते नजर आएंगे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने। उनकी जाहिर तौर पर एक अच्छी खासी जीत है उत्तर प्रदेश में, उम्मीदें उनकी बढ़ गई होंगी आने वाले वक्त के लिए विधानसभा चुनाव की। तैयारियां बहुत सालों पहले हो जाती है, अब सोचिए कि चुनाव हुआ तो उसके बाद भी अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती है, इसलिए इस जीत को भुनाना अखिलेश यादव चाहते हैं।